वाहिगुरु खालसा वाहिगुरू फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम आदाब। मैं जगतार सिंह पुरी, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया, आज फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज 6 दिसंबर 2021 को एक मीटिंग हुई जननायक जनता पार्टी की बिलासपुर रेस्ट हाउस में। ये जिला यमुनानगर ब्लॉक है बिलासपुर, हरियाणा का। तो यहाँ पे जो पार्टी जो है जननायक जनता पार्टी, ये अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इसी कड़ी में इन्होंने मुश्ताक अली हैं गांव पीर भौली के, गांव पीर भौली, ये ब्लॉक बिलासपुर में है, हल्का सिडौरा में है। तो ये जो हैं मिनोरिटी सेल के हलका के प्रेजिडेंट लगाए गए हैं ये, और आज इनको जो है घोषित किया गया। ये शेरवाल जी, आप फोटो देख रहे हैं, अशोक शेरवाल जी हैं, प्रेजिडेंट हैं ये एससी सेल जननायक जनता पार्टी के, और इनके साथ खड़े हैं मेरे बाईं ओर ये हैं महेंद्र आर्या जी, ये हल्के के प्रेसिडेंट हैं जेजेपी के। तो और भी नियुक्तियां होंगी और हो भी गई हैं पहले, होंगी और भी होंगी। और आज ये मीटिंग में खास बात यह थी कि संगठन को मजबूत करने के लिए काफ़ी कुछ बताया गया, और ये पार्टी जो है 3 में खड़ी हुई थी जननायक जनता पार्टी, और दुष्यंत जो है चौधरी दुष्यंत जी, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, इसी पार्टी के हैं। पहले तो कोरोना रहा, कोरोने के बाद ये जो किसान आंदोलन चला, इसके बीच में भी पार्टी का थोड़ा कम रहा काम, क्योंकि माहौल को देखते हुए पार्टी ने अपने जो है वो बिल्कुल बंद तो नहीं किए थे कार्यक्रम अपने, लेकिन थोड़े कम कर दिए थे और बहुत ही तरतीब से कर रहे थे। लेकिन अब ये आंदोलन खत्म हुआ, बड़ी खुशी हुई कि हम किसान जीते हैं और सरकार को थोड़ा झुकना पड़ा। और अभी जब ये सारा कुछ खत्म हो गया, आंदोलन वगैरह खत्म हो गए, माहौल ठीक है, तो अभी पार्टी जो है वो अपने संगठन को मजबूत कर रही है। और इसी उपलक्ष्य में जो है एक रैली है, जन सरोकार दिवस मना रहे हैं, पार्टी का स्थापना दिवस है, रेजिंग डे है इस पार्टी का, जेजेपी का, जननायक जनता पार्टी का। तो ये झज्जर में है, तो झज्जर में ये 9 दिसंबर 2021 को मना रहे हैं, और उसमें भी आज जो है ये कई दिन से चल रहा प्रोग्राम, आज भी जो है ये बताया गया इनको, जब वहां पे घोषित किया गया मुश्ताक अली जी को, तो वो तब भी ये हदायतें दी है 9 को बड़े अच्छे तरीके से गाड़ियां वगैरह जाएंगी पार्टी की, बिलासपुर से सिडौरा से निकलेंगे, हल्का सिडौरा है ये, काफी लंबा चौड़ा एरिया पड़ता है इसका, ब्लॉक है इसमें 3। तो बहुत मैं तो आज ये देख के हैरान हो गया कि पहली मीटिंग तो नहीं थी, 2-3 मीटिंगें पहले हो चुकी हैं ये कोरोना और किसान आंदोलन के बाद, लेकिन ये जो मीटिंग थी ये एक मीटिंग हुई है पहले, तो वो जमुनानगर की मैं दिखाई थी पहले भी, जिसमें अजय जी आए थे। तो ये आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, क्योंकि आज देखने से पता चलता है कि जो वर्कर्स थे वो भी बहुत हौसले में थे, क्योंकि पहले वो कुछ वर्कर डरे हुए भी थे, सहमे हुए भी थे, क्या होगा, क्या बनेगा, क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि कोई भी आंदोलन हो उसमें शरारती तत्व आ ही जाते हैं, कितना भी जो है वो संगठन जो है आंदोलन करने वाला कितना मजबूत हो, लेकिन गुंडागर्दी वाले कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं, और इसमें भी आए, आपको पता है, सबको बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। और यह आह्वान किया गया ये जो स्टेट के हमारे एससी सेल के श्री अशोक शेरवाल जी है, और इनके साथ ही खड़े हैं डॉक्टर शेरवाल जी है, कुसुम शेरवाल जी, ये हमारे हल्का सिडौरा थे जो थे, ये कैंडिडेट थे, हार गए।